खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक समय नेपोलियन का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी वाइब्रेशंस बहुत ऊपर थे, करीबन 450 पर। इस समय नेपोलियन बहुत कम समय में सैनिक से कमांडर बना। वो एक अच्छा गणितज्ञ, स्ट्रेटेजिस्ट और रणनीति में माहिर था। लेकिन जैसे ही उसने अपने आप को यूरोप का एकमात्र राजा घोषित किया, उसका अहंकार फूला और उसकी चेतना का स्तर 200 से कम हो गया। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि इस निचले स्तर में इंसान अहंकार में डूब जाता है और डर से ग्रस्त हो जाता है और उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। इसके बाद नेपोलियन का पतन शुरू हुआ और वो कमजोर राजाओं से भी एक के बाद एक हारता गया। डॉक्टर हॉकिंस अपनी किताब मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस में दूसरा उदाहरण हिटलर का देते हैं, जिसका शुरू में स्तर 450 का था, जो कि विजनरीज और जीनियस का होता है। हिटलर शुरुआत में तो केमिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग के जरिए जर्मनी को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन अहंकार और जीव से नफरत के कारण हिटलर 450 से 40 पर आ गिरा, जहां आखिरकार हिटलर ने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आप कह सकते हो कि फलाना इंसान सफल क्यों है, आकर्षक क्यों है, क्योंकि वो अलग एनर्जी फील्ड या लेवल में है। क्या है ये एनर्जी लेवल्स? जेल में बंद कैदियों से लेकर वर्ल्ड लीडर्स तक डॉक्टर डेविड हॉकिंस ने 2.5 लाख लोगों के वाइब्रेशंस नापे और एक टेबल में कैलिब्रेट किया। इस काम में उन्हें कुल 25 साल लगे। इस रिसर्च के अनुसार इंसान एक चेतना स्तर या एनर्जी फील्ड में जीता है। चेतना का स्तर 20 यानी शर्म से लेकर 1000 यानी मुक्ति, सेल्फ रियलाइजेशन का होता है। कॉन्शियसनेस यानी चेतना जिस एनर्जी फील्ड में फंसी होती है, इंसान उसी स्तर पर सोच पाता है। ये स्तर ही उसके लिए सच्चाई है। इंसान इसी स्तर से दुनिया देखता है और अनुभव करता है। ये सब कैसे होता है, हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। मृत्यु का एनर्जी लेवल है 0 और इसके बहुत निकट है शर्म, मात्र 20 पर। शर्म खुद एक पैसिव डेथ है। जो लोग शर्म के वाइब्रेशन या एनर्जी फील्ड में ज्यादा देर रहते हैं, वो सुसाइडल हो जाते हैं। इस जोन में बार बार आने वाले धीरे धीरे अपने अंदर हर अच्छी चीज को मार लेते हैं और कई सारी मानसिक बीमारियां होती हैं। जिन बच्चों को बचपन में शर्म बार बार महसूस कराई जाती है, वो दूसरों और जानवरों के प्रति निर्दयी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, कभी अपने जूनियर्स या छोटों को शर्म महसूस मत कराओ। यहाँ पर इंसान को लगता है कि दुनिया में केवल बुराई है और वो हर परेशानी के लिए शिकायत करता है। मृत्यु और शर्म से थोड़ा सा ही ऊपर है गिल्ट यानी अपराध बोध, जिसका एनर्जी लेवल है 30। जो लोग सबकॉन्शियसली खुद शर्म और अपराध बोध में रहते हैं, वो दूसरों को सजा देने की कोशिश करते हैं। वो हमेशा बदला लेना चाहते हैं। जेल में अक्सर देखा गया कि कुछ कैदी मिलकर दूसरे ज्यादा बुरे कैदी को सजा देने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट, सीरियल किलर्स, अपराधी आदि गिल्ट में रहते हैं। इनके मन को शांति नहीं मिलती, इसलिए ड्रग्स आदि चीजों से अपने मन और बुद्धि को बेहोश करते रहते हैं। गिल्ट से ऊपर है अपैथी यानी आशाहीन हो जाना, एनर्जी लेवल 50। इस स्तर पर इंसान दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुंचाता, लेकिन खुद निष्क्रिय हो जाता है। दिन भर लेटा रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता। इधर इंसान का आत्मविश्वास टूट चुका है। भिखारी, होमलेस, चोर इस लेवल पर जीते हैं। ये बड़ी दयनीय स्थिति है, क्योंकि इंसान खुद को ऊपर उठाने की हिम्मत खो चुका है। इस लेवल के ऊपर है ग्रीफ, एनर्जी लेवल 75। बड़ा नुकसान होने पर, कोई अपना खोने पर हम लोग इस एनर्जी जोन में आते हैं। इस समय केवल दुख ही दुख दिखता है, लेकिन जो लोग यहाँ ज्यादा देर रुके रहते हैं, वो डिप्रेशन में फंस जाते हैं। जुआरी, कर्ज में डूबने वाले लोग इस एनर्जी लेवल में फंस जाते हैं। ये अपना जीवन फेलियर मानकर सब उम्मीद छोड़ देते हैं, जिस कारण दोस्त, परिवार, नौकरी सब कुछ छूट जाता है। इससे थोड़ा ऊपर है डर, एनर्जी लेवल 100। इस स्तर पर थोड़ी लाइफ एनर्जी उपलब्ध होती है। डर के कारण लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन इस मेंटल स्टेट में केवल खतरा और परेशानी दिखती है, जिस कारण इंसान हमेशा चिंता में रहता है। इंसान को दुनिया अनजान और डरावनी लगती है। अनजान यूजर नेम के पीछे छिपकर गाली देने वाले इंटरनेट ट्रोल्स का स्तर डर और शर्म के बीच का होता है। शर्म से लेके डर तक लोग अपने जीवन में पॉजिटिविटी ज्यादा देर बनाए नहीं रख पाते। इनको पूरे समय ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यहाँ इंसान प्रेरणा पाकर स्वयं एक्शन लेकर ही बाहर निकल सकता है। डर के ऊपर है इच्छा, डिजायर, एनर्जी लेवल 125।
इस स्तर पर एनर्जी और उठती है। जो लोग डर से ऊपर उठते हैं उनमें कुछ पाने की इच्छा होती है, उनके लिए पैसा प्रसिद्धि आदि जीवन का मकसद बनता है जो उनका जीवन थोड़ा बेहतर करता है। लेकिन डिजायर के पीछे भी डर छिपा है, कहीं हमने ब्रांडेड कपड़े नहीं पहने तो लोग क्या सोचेंगे। डिजायर एडिक्शन भी है, जहां मटेरियल डिजायर और शारीरिक सुख जीवन की गहराई से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कलेक्शन के लिए 200 कार खरीदते हैं लेकिन अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि डिजायर में कभी मन नहीं भरता। इस एनर्जी फील्ड में इंसान को बहुत फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है क्योंकि उसकी बहुत सारी कामनाएं कभी पूरी नहीं हो पाती। जब डिजायर पूरी नहीं होती या तो वो निराशा और डर में बदल जाती हैं या एंगर और फ्रस्ट्रेशन में बदल जाती हैं। अगले एनर्जी लेवल पे है क्रोध, एंगर एनर्जी लेवल 150। यह स्तर मृत्यु और निराशा से कहीं बेहतर है, लेकिन ये वॉलेटाइल अस्थिर जोन है और यहाँ से डिस्ट्रक्टिव एक्शन ज्यादा पैदा होते हैं। जो इंसान बार बार स्टेट में आता है वो खुद को अक्सर नीचे गिरा हुआ पाता है, क्योंकि इस जोन में बुद्धि साथ नहीं देती। जिन लोगों को गाइडेंस मिलती है, जो अपने गुस्से को कंट्रोल करके सकारात्मक एक्शन में बदलते हैं, वो जाते हैं अगले एनर्जी लेवल पर। प्राइड अभिमान एनर्जी लेवल 175। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि इस वाइब्रेशन में इतनी शक्ति होती है कि ये पूरी US मरीन कॉर्प को चला सकती है। आज दुनिया में कई लोग प्राइड जोन में जीना चाहते हैं क्योंकि गुस्से डर शर्म से यहाँ आजादी मिलती है। इंसान कुछ बड़ा बनना चाहता है, लेकिन दिक्कत यहाँ भी है। प्राइड बाहरी उपलब्धि यानी एक्सटर्नल आइडेंटिटी पर टिका होता है, बाहरी हालात बदलने पर वापस गिरने की संभावना होती है। प्राइड में यानी अभिमान में इंसान अपने आप को सही और बड़ा समझता है और दूसरे को तुच्छ नजरों से देखता है। जब सामाजिक चेतना का स्तर अभिमान का होता है तो उसे न्याय से ज्यादा इंटरेस्ट सजा में होता है। लोग सॉल्यूशन की जगह एनकाउंटर पसंद करते हैं। अभिमान से ऊपर अगला लेवल है करेज साहस एनर्जी लेवल 200। यहाँ पर इंसान के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। यहाँ से वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू करता है और नीचे फंसने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर चेतना साहस का रूप लेती है। यहाँ पर इंसान खुद की गलतियों को देखने का, उन्हें बेहतर करने का साहस रखता है। डर शिकायत और घमंड कम होने पर इंसान बहुत प्रोडक्टिव हो जाता है। ये लेवल सामर्थ्य का है। यहाँ पर इंसान के अंदर दृढ़ निश्चय और धैर्य का विकास होता है। यहाँ इंसान जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, दुनिया देखना चाहता है। यहाँ पर इच्छा तो है पर पाने से ज्यादा इच्छा करने की है। जो प्रॉब्लम्स 200 से नीचे लोगों को रोकती हैं वो यहाँ प्रेरणा का स्वरूप बन जाती हैं। इंसान को लगता है कि अपने दम पर बहुत कुछ किया जा सकता है। दुनिया में जितने कर्मशील लोग हैं, वर्क फोर्स हैं, वो इस लेवल पर काम करते हैं। एनर्जी फील्ड का अगला लेवल है न्यूट्रैलिटी। इस लेवल के ऊपर इंसान के नज़रिए में बड़ा बदलाव आता है। इससे पहले इंसान को केवल सक्सेस और फेलियर, अच्छा या बुरा दिखता है, लेकिन इस स्तर पर वो समझने लगता है कि इंसान जीवन और प्रकृति के कई रंग हैं और एक रिजल्ट के पीछे भी कई फैक्टर्स होते हैं। इसलिए वो चीज़ों को अच्छा बुरा, सक्सेस फेलियर का टैग लगाना बंद कर देता है। इस स्थिति में इंसान समत्व यानी इनर कामनेस अनुभव करना शुरू करता है। ऐसा इंसान नॉन जजमेंटल हो जाता है। इस स्तर पर इंसान दूसरों के एनर्जी फील्ड भी समझने लगता है। अगला चेतना का स्तर है विलिंगनेस एनर्जी लेवल 300, जो कि पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। यहाँ इंसान को हर जगह अच्छाई और मौके देखने लगते हैं। वो मुश्किलों से परेशान नहीं होता बल्कि बिगड़े काम भी बना लेता है। अधिकतर एंटरप्रेन्योर्स इस लेवल पर होते हैं। अगर इस एनर्जी लेवल पर इंसान टिका रहे तो वो और ऊपर जाता है। प्रमोशन और ग्रोथ बहुत जल्दी होती है, क्योंकि विलिंगनेस रेजिस्टेंस का उल्टा है। इस जोन में लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं क्योंकि वो बहुत आसानी से सीखते हैं। अगला एनर्जी लेवल है एक्सेप्टेंस 350। यहाँ पर इंसान की बुद्धि के वाइब्रेशंस में बड़ा बदलाव आता है। वो स्वीकार करने लगता है कि सब कुछ उसकी सोच और विचारों से प्रकट हो रहा है और उसके जीवन के अनुभव सबकॉन्शियस का ही रूप है। ये स्थिति प्राइड या अभिमान का उल्टा है। प्राइड में इंसान अपने शरीर और अचीवमेंट्स को देखकर खुश होता है और इनके घटने पर दुखी होता है। एक्सेप्टेंस में इंसान प्राइड जितना ही एक्टिव होता है, लेकिन यहाँ इंसान जानता है कि सफलता पाई नहीं जाती बल्कि अंदर से पैदा होती है। ये एनर्जी जोन सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी की है।
कई आर्टिस्ट, मूर्तिकार और मेंटर इस स्तर पर होते हैं। जब समाज के लोगों का स्तर एक्सेप्टेंस का होता है तो लोग मदद मांगने की जगह मदद करने लगते हैं, नौकरी मांगने की जगह बिजनेस खड़े होने लगते हैं। अगला लेवल है रीजन, एनर्जी लेवल 400। यहाँ इंटेलिजेंस और रीजन की शक्ति इमोशन से ताकतवर हो जाती है। ये एनर्जी लेवल बड़े नोबेल प्राइज विनर्स, साइंटिस्ट, दार्शनिक, डॉक्टर्स और जजेस का है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा और आइडिया को आसानी से समझ सकते हैं और जल्दी बुद्धिमान निर्णय ले सकते हैं। स्टोइक्स और स्टोइसिज्म का एनर्जी फील्ड 400 पर है, लेकिन इस एनर्जी लेवल की लिमिट है। यहाँ पर बुद्धि कंसेप्ट को पार नहीं कर पाती, यानी इंसान बिना कंसेप्ट के कुछ नहीं समझ पाता। इस लेवल को पार करना कठिन है, केवल 0.4% लोग ही अगले स्तर को छू पाते हैं। लव यानी प्रेम, एनर्जी लेवल 500। ये वो लव नहीं है जहाँ दो लोगों की जरूरत है, ये सेल्फ इमेज वाला लव भी नहीं है। ये प्रेम एक इंटेंस फीलिंग है जो इंसान के साथ सोते जगते बनी रहती है, बाहर कुछ भी हो ये नहीं बदलती। भक्ति, डिवोशन, सेवा इस एनर्जी फील्ड का रूप है। रूमी इस स्टेट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि जहां भी रहो, जो भी करो, प्रेम में रहो। इस स्थिति में इंसान समझता है कि प्रेम और आनंद मन के सोर्स से आता है। ऐसे लोगों के पास रहने मात्र से मन को शांति मिलती है। जब प्रेम बढ़ता ही जाए, पूरी तरह अनकंडीशनल हो जाए, तो उस एनर्जी फील्ड को कहते हैं जॉय, एनर्जी लेवल 540। इनर जॉय जो पूरे समय बना रहता है, ये अचानक से पैदा नहीं होता बल्कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ऐसे लोग नेचुरल हीलर्स होते हैं। ये स्तर आध्यात्मिक संतों का होता है। इनके पास असीम धैर्य और प्रेम होता है। इन लोगों का असर निकट समाज पर देखा जा सकता है। यहाँ इंडिविजुअल विल पूरी तरह यूनिवर्सल विल में मिल जाती है, यानी इंसान की खुद की कोई इच्छा नहीं रहती, इसलिए मैनिफेस्टेशन अपने आप होते हैं। बिना किसी इच्छा के चीजें होने लगती हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशन क्रिएशन का भी होता है। यहाँ पर अब इंसान दूसरों के लिए जीता है, उसे सब कुछ आनंद में डूबा दिखता है। जैसे ये एनर्जी फील्ड और ऊपर उठता है, ये परम शांति का रूप लेता है, जहां से मुक्ति, एनलाइटनमेंट, निर्वाण के एनर्जी लेवल शुरू होते हैं। अगला एनर्जी लेवल है कंप्लीट पीस, परम शांति, एनर्जी लेवल 600। इस स्थिति में मैं और तुम खत्म हो जाते हैं, यानी देखने वाला और दृश्य एक हो जाते हैं। यहाँ पर अंदर से पता चलता है कि सब कुछ चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। यहाँ पर रहने वाले लोग भाग दौड़ से अलग हो जाते हैं, या फिर गुमनाम रहकर दुनिया की बेहतरी के लिए काम करते हैं। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि इस स्थिति में सब कुछ फ्लो में होता है, कोई आश्चर्य नहीं, कोई घटना नहीं, मन पूरी तरह शांति में अपने सोर्स में घुल चुका है, बस सब कुछ चैतन्य शांति में हो रहा है। अगला एनर्जी लेवल है 700 से 1000, एनलाइटनमेंट, निर्वाण, परम शांति। से इस लेवल में अंतर ये है कि इस एनर्जी फील्ड से कई लोग प्रभावित होते हैं। यहाँ एनर्जी फील्ड का प्रभाव टाइम और स्पेस को पार करते हुए पूरे ब्रह्मांड पर होता है। इसमें भी सबसे उच्चतम लेवल है 1000, जिनको अवतार पुरुष माना जाता है। इनके चेतना के स्तर और इनके शब्द मात्र का असर हजारों साल तक रहता है। मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस में चेतना के दो मुख्य स्तर हैं। पहला करेज, यहाँ इंसान ब्लेम छोड़कर खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत करता है और स्वयं जिम्मेदारी लेता है। दूसरा लेवल है 500, यहाँ से इंसान अनंत ब्रह्मांड से जुड़ने लगता है। इस लेवल पर इंसान जजमेंट छोड़ देता है, जिससे वो अतीत और बुरे अनुभव से भी दूर हो जाता है। उसकी बुद्धि, इंटेलेक्ट और रीजन से ऊपर उठ जाती है। डेविड हॉगिंस कहते हैं कि इस समय दुनिया का चेतना स्तर 210 के आसपास है और दुनिया में 85% लोगों की कॉन्शियसनेस 200 से नीचे है। मतलब लोग ऐसी मानसिक अवस्था में हैं कि अगर दिशा ना दी जाए तो लोग खुद को और पृथ्वी को नष्ट कर लें। इसका एग्जांपल है प्लास्टिक पॉल्यूशन, जिसे चाहे तो इंसान कंट्रोल कर सकता है, लेकिन 200 से नीचे हम इंसान अनजान और कमजोर बने रहते हैं। मनुष्य को विनाश से बचाते हैं और सामाजिक चेतना का स्तर ऊपर उठाते हैं वो लोग जिनका स्तर 300 से ऊपर है। जैसे एक इंसान जो 700 पर है, वो 7 करोड़ लोगों को काउंटर बैलेंस करता है जो 200 से कम पर है। 500 के एनर्जी फील्ड वाले 7 लाख और 300 के एनर्जी फील्ड वाले 90,000 लोगों को काउंटर बैलेंस करते हैं।
डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कोई स्तर बड़ा या छोटा नहीं है, ये लेवल्स थर्मोमीटर के जैसे हैं। 0 डिग्री के नीचे पानी बर्फ है और 100 डिग्री के ऊपर पानी भाप है, लेकिन है तो पानी यानी H2O ही। वैसे ही चेतना तो चेतना है, 0 या 100 अच्छा या बुरा नहीं है, ये केवल मार्किंग्स हैं। जो आदर्श पुरुष 600 से ऊपर निकल जाते हैं उनके लिए तो सब एक है। सवाल है कि हमको कैसे पता चले कि हम कौन से स्तर पर हैं। हमारी चेतना 3 या 4 स्तर के बीच में झूलती रहती है और इंसान बहुत सारे इमोशंस महसूस करता है, लेकिन ध्यान दीजिए जब हम प्रेशर में होते हैं तब हम अधिकतर कैसा बर्ताव करते हैं, क्या हम चिल्लाने लगते हैं, क्या हम डिफेंसिव हो जाते हैं, क्या हम डर जाते हैं, या हम दृढ़ निश्चय करते हैं। इस रिएक्शन से पता चलता है कि हम अक्सर किस लेवल पर रहते हैं। हम लोग ऊपर कैसे उठेंगे, इंटेंशन ऑफ नॉन जजमेंट। डॉक्टर हॉकिंस कहते हैं कि अगर आप बिना जजमेंट के किसी भी चीज को प्रेम से देखो यानी अवेयर मात्र रहो तो उसका एनर्जी फील्ड बढ़ता है। इसी प्रकार अगर आप अपने इमोशंस, विचार और एक्शन के प्रति अवेयर रहो तो उनका लेवल अपने आप बढ़ता है। इसलिए मैप्स ऑफ कॉन्शियसनेस खुद को समझने का टूल है। जब आपको पता चलता है कि आप अधिकतर किस एनर्जी फील्ड में हो तो आप अपने आप आगे बढ़ते हो। आगे बढ़ने के लिए दूसरा पॉइंट है परसिस्टेंस। जो इंसान अपनी चेतना का स्तर उठाने की कोशिश नहीं करता वो पूरा जीवन उसी स्तर पर रहता है। हमको ये समझना होगा कि एक लेवल भी आगे बढ़ने से जीवन में भारी बदलाव आता है जिसके लिए इंसान को सतत प्रयास करना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है सरेंडर या विनम्रता। अगले लेवल पर जाने से पहले इंसान का अहंकार कुछ मात्रा में टूटता है। वो महसूस करता है कि मुझे नहीं आता, मुझे मदद की ज़रूरत है। जितना इंसान का अहंकार टूटता है वो उतना आगे बढ़ता है। इसलिए इंसान की चेतना जितना ऊपर उठती है वो उतना विनम्र होते जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए कि अपनी एनर्जी सबकॉन्शियस के द्वारा कैसे बढ़ाते हैं। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।